आपको सीधे लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्यों महाराजगंज भी तो इससे सहमत है ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो वे इससे घबरा जाते हैं, क्योंकि एक तरफ राम भक्त हैं मोदी जी के नेतृत्व में और दूसरी तरफ राम द्रोही हैं जो राम का तो विरोध करते ही रहे हैं और विरोध करते करते भाजपा का विरोध करते हुए राम का विरोध किए हैं और भगवान राम का विरोध करते करते अब भारत का विरोध कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये लोग राजनीति के लिए, अपनी राजनीति के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए इन लोगों ने देश की जितनी क्षति की है वह अपूर्णीय क्षति है। सत्ता की अतिलिप्सा ने इनके कारण पहले देश का इन्होंने विभाजन किया, फिर देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, देश को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर आपस में लड़ाने का काम किया और आज फिर वही झूठ बोल रहे हैं। कोई कहता है कि आरक्षण समाप्त करेंगे, कोई कहता है कि संविधान को बदल देंगे, इतनी झूठी कोरी बकवास ये कांग्रेस देश के खिलाफ साजिश कर रही है। सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस के नेतृत्व में जो ये गठबंधन है, चाहे वह समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वह आरजेडी का हो, चाहे वह आम आदमी पार्टी का हो, सच्चाई तो यह है कि बहन और भाइयों, इनका गठबंधन यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोधी रहा है। याद करिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव हराया था कांग्रेस ने, जब समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की सरकार प्रदेश में बनी थी, तो अखिलेश यादव ने बनते ही सबसे पहला काम क्या किया, उसका पहला वक्तव्य था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, साहू जी महाराज, सावित्रीबाई फुले, इन जितने भी महापुरुषों के स्मारक लखनऊ में बने हैं उन सबको तोड़ेंगे, ये बात ये अखिलेश यादव ही कहते थे। और इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर, कांसी राम जी के नाम पर जो भी संस्थान बने थे सबका नाम हटाने का पाप किसी ने किया था, इस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार ने किया था। बहनों और भाइयों, अपने स्वार्थ के लिए संविधान के साथ छेड़छाड़ करना, देश के अंदर इमरजेंसी लगाना, भारत की भावना के साथ खिलवाड़ करना, एक कांग्रेस की फितरत रही है और कांग्रेस आज फिर वही शरारत करने पर उतारू है। कांग्रेस ने, अभी आपने देखा होगा, कांग्रेस का एक सहयोगी पश्चिमी बंगाल में टीएमसी है। टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस, यह पश्चिमी बंगाल में है। इसने वहां ओबीसी का सारा आरक्षण मुसलमानों को दे दिया था और परसों ही कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के द्वारा ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को देना असंवैधानिक है और उन्होंने वहां की सरकार के इस कार्य को पूरी तरह खारिज करके कहा कि नहीं, मुसलमान देश के अंदर आरक्षण पाने का अधिकारी नहीं हो सकता है। बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति और मंडल कमीशन के अंतर्गत ओबीसी की जातियों को आरक्षण पाने का अधिकार है। यह आरक्षण धार्मिक आधार पर नहीं हो सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण ये भारत के विभाजन की नींव डालना जैसा है और 1947 में भारत का विभाजन हो चुका है,
अब हम भारत का दूसरा विभाजन नहीं होने देंगे।